थोड़ा थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सब लोग शांति व्यवस्था। चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है, सुंदर की के लिए सुंदर की सीट पर भी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। बहराइच की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो दुखद घटना है और आप लोग सब समझ ही रहे हो। लेकिन सब किसी अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? देखिए सरकार को दोषियों को दंड देना चाहिए। किसने शुरुआत करी है, शुरुआत किसने करी है, कौन किसके घर पर चढ़ा है, झंडा उतारा है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो प्रदेश सरकार के कांग्रेस से कोई गठबंधन को क्या कहते हैं सीटों का डिसीजन हो गया? कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे, कितनी पे आप लड़ेंगे? हो जाएगा, एक दो दिन में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस मिलकर के कर लेंगे। और नौ सीटें क्लियर कर दिए, एक सीट रह गई मिलकर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब हाँ तो देखिए MP तो हो ही गए जी, हैं जब खाली सीट हो गई है, अब वहाँ से कोई MLA तो है नहीं, तो निर्णय तो लेना चाहिए था आयोग को, तो आयोग को चुनाव कराना चाहिए था। क्या लगता है उपचुनाव में लोकसभा की तरह आप लोग बंपर जीत दर्ज करेंगे? सभी सीटें मैंने कहा कि 9 में 9 सीटें जीती, तो बंपर तो हो गई। गुंदर की टिकट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, दूसरी लिस्ट कब तक आ रही है? अब हो जाएगा, हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए। ये सबसे बेईमान सरकार है, खुलेआम भ्रष्टाचार, बेईमानी। आपने अभी देखा ही है समितियों का, गन्ना समितियों का चुनाव, पहले तो नामांकन नहीं किसी को करने देते हैं और नामांकन अगर कर भी दिया है तो उनका पर्चा कैंसिल अधिकारियों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा, देखिए इस समय किसान, गरीब, नौजवान सब परेशान है, सब परेशान, और यहाँ तक कि छोटा छोटा व्यापारियों का व्यापारी खत्म है सरकार में, और ठीक जो वादा करती है उसके ठीक उल्टा काम करती है जैसे। तो हमारी तो अपील है जनता से कि सरकार को शीघ्र हटाने की ज़रूरत है। सर क्या लगता है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें? अब ये तय हो जाएगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो कर लेंगे तय। से आज तक हो जाएगा, कल हो जाए, तो ये बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाए। अपनी ओर से आप देना चाहते हो कोई जनता को? मैंने जनता को यही कहा कि इसको बेईमानों को हटाना है, किसान मजदूर जो परेशान है। हाँ बताओ, छोटे छोटे किसान, गरीब, और मैंने कहा कि व्यापारी जो वोट देता था इनको, बताओ उनका व्यापार खत्म, व्यापार पूरी तरह से, सामान्य लोग, सामान्य व्यापारी कितना परेशान है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में उसको अनिवार्य कर दिया संस्कृत पढ़ाए जाने को, पंडित संस्कृत पढ़ाएंगे मदरसों में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे उत्तराखंड? देखिए शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो हमारी सरकार में भी नेताजी ने भी किया था और सभी वर्गों का ध्यान रखा था, सभी वर्गों का, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबको छूट दी थी, लेकिन इस सरकार में चुन चुन कर कुछ लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और बेमनस्ता बढ़ाई जा रही है।